given that CM and RN are medians. CM and RN are medians of triangle ABC and triangle PQR. इनके medians हैं और ये भी दिया गया है कि triangle ABC is similar to PQR and triangle ABC is similar to triangle PQR. तो इसमें थ्री पार्ट प्रूव करने हैं. टू प्रूव ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BNR. चलो जमा कर दो. चलो जमा करो. और किसका बाकी है? हाँ ठीक है, दो मिनट. ठीक है, बुक निकाल ली सबने. अब देखो तो इसमें दिया गया है, देखो ए बी सी और पी क्यू आर. यहाँ देखिए मैं ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर हैं. और अगर सिमिलर ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की जाए तो आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर होगा. बात समझ आ गई? ये दोनों ही प्रूव करना है. सिमिलर ट्रायंगल में अगर हमने क्या ड्रॉ कर ली, मीडियंस. मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से चले हो, मिड पॉइंट पर मिले, यही तो जानते हो. माध्यिकाएं क्या होती हैं? जो सामने वाले के मिड पॉइंट पर लगती है कि नहीं. तो सिमिलर ट्रायंगल की जो मीडियंस हैं वे भी जो टू डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको सिमिलर ट्रायंगल में करती हैं. तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है बताओ? ए एम सी इस वाले को प्रूफ करना है इसके. ओके पी एन आर. अच्छा पी एन आर. अब देखो प्रूफ. तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर क्या होगा बताओ? ए सी ले लो, एक ए सी है. तो ए सी अपॉन क्या लोगे बोलो? ए सी अपॉन पी आर, एक ए सी ले लो. ए बी ले लो, ए बी इसमें लो जो सिमिलर दिया है. यहाँ से देखो क्या चीज दी है, ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन क्या लोगे? ए बी पी क्यू अपॉन पी क्यू की बात सही है ना? अब देखो अदर को. अच्छा ये बताइए कि ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को क्या लिखा जा सकता है? टू एम लिखा जा सकता है. और बोलो पी क्यू को क्या लिख सकती हो? ऐसा लिखो तो ए सी अपॉन पी आर, इसको लिखो टू ए एम ए बी को. और पी क्यू को क्या लिख दो? टू पी एन. तो इससे क्या पता चल रहा है? टू से टू बढ़ गया. वाई इट इज सो? बिकॉज सी एम एंड आर एन आर, इसका भी लिख सकते हैं कि एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स, आर मिड पॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स. इतना समझ में आया नमन की नहीं? अभी फिर से समझो कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है और ये इसकी मीडियन है. मीडियन वर्टेक्स से चलती है और मिड पॉइंट पे मिलती है. तो जो मीडियंस होती हैं वो जो दो पार्ट्स होते हैं उनको भी सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करती है. हमें प्रूफ करना, मीडियन तो समझते हो ना, ये इक्वल होगा. अब देखो तो हमने लिख दिया ये तो सिमिलर है, तो क्या लिखा बोलो? ए बी बाई पी क्यू. देखो यहाँ से लिखो ए सी बाई पी आर. क्या लिखा? ए सी बाई पी आर ले लिया. ये वाली साइड नहीं लेनी, ये तो हमारे काम की नहीं है ना, हमको इसको इसके सिमिलर प्रूफ करना है. एक तो ये ले ली कि ए सी बाई पी आर और एक ले लिया ए बी बाई पी क्यू. देखो ए बी बाई पी क्यू, लेकिन ए बी को तुम क्या मानते हो? क्या टू ए एम? और पी क्यू को क्या मानते हो? टू पी एम. बोलो सही है? टू टू कट गया,
अब हमारे पास क्या क्या आ गया बताओ, AM by PM is equal to AC by PR, ये सिमिलर हो सकते हैं अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि ये एंगल इसके इक्वल। क्या ये प्रूफ कर पाओगे? कैसे? दे ही रखा है, क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या लिखा जा सकता है बताइए? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ऐसा क्या होगा? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अंशुप्रिया यहाँ क्या लिखोगे? Corresponding sides of, corresponding sides of similar triangle, proportional तो हमने दिखाई दिया, सही है। अगली लाइन क्या होगी? हाँ बोलो। SS हो गया, क्योंकि हमारा ये कटने के बाद AC by PR is AM by PN हो गया। AC by PR is AM by PN और बीच का एक एंगल इक्वल हो गया कि नहीं? सो भाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, PNR। नाउ अब देखो इसका सेकंड पार्ट, टू प्रूव CM by RM इट इज इक्वल टू AB by PQ प्रूफ। हमको अर्चिता प्रूफ करना है CM by RM इज इक्वल टू AB by PQ प्रूफ करा। इससे कुछ निकलना है आपका सर? MC by NR इसमें भी कॉमन है और MC by NR ऊपर। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखे बताइए कि AM आपको चाहिए कि नहीं? CM by RM, इसमें CM निकल रहा है, इसी से निकालो। तो CM by RM is equals to, CM by RM is equals to क्या आएगा बताओ? ये कौन सी साइड है यहाँ पे? AM, AM by PN, AM by PN, ऐसा क्यों है? That is corresponding sides of similar triangle. कौन कौन से similar triangles? AMC and triangle AMC and triangle PNR. अरविंद देखो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? बताओ अब अगर आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? CM by RM, CM by RM, देखो यहाँ देखो, CM by RM is equals to AM by PN, AM by PN यहाँ तक आ गया, लेकिन हमको तो AB by PQ प्रूव करना है CM by RM। अब ये कैसे करें? AM का हाफ है, अच्छा AM और RM, AM और PN को क्या लिख सकते हो? हाफ, फिर हाफ कट कर देना, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो भी अच्छा बता रहे हैं। RM it is equals to half AB upon half BQ, अब ये कट जाएगा, सही? That is M and N are mid points of respective sides. तो CM by RM it is equals to AB by BQ। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कहा गया है ट्रायंगल CMB, इस बार हमको ये कहा गया है इसको प्रूफ करो, प्रूफ ट्रायंगल CMB
is similar to triangle RQM. RQM. बताइए हमको. पूरा दिया है पूरे के सिंगल. आप तो ये पढ़ मैं बताओ. CM लेना चाहते हो? बताओ फिर से समझो. जो तुमने पहले वाले में किया था वही करना है फिर से. तो आपको क्या दिया है बताओ? गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC is similar to triangle. ABC किसके सिमिलर है? PQR. तो आपको जो जो चीजें लेनी वो ले लो. एक तो आपको CM तो नहीं मिलेगा. CB मिल जाएगा इसमें. तो CB upon RQ AB भी ले लो. जैसे तुमने 2AM लिखा था वैसे भी 2BM लिख देना. है वही चीज पहले ही पार्ट. तो इसकी जगह क्या लिख लोगे? AB upon PQ. ठीक है. और यहाँ क्या लिख देंगे? That is corresponding size of similar triangles. अगला स्टेप बताओ. CB by RQ is equal to 2BM by 2QN. That is M and N are midpoints of corresponding size. कितनी बात हो गई? आगे बताओ. टू टू कट गया. और बोलो. Angle B is equal to angle 2. That is corresponding angles of. Angles of similar triangles. फिर क्या होगा? क्योंकि this by this हो ही गया. और एंगल भी एक इक्वल हो गया. So by SAS similarity criteria. Triangle CMT is similar to triangle RQM. Hence, इसका जो ये पार्ट है प्रूफ प्रूफ में मिटा दे रहा हूं. ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. कुछ पूछना है किसी को समझ में आ गया? बड़े आराम से हो जाएगा. उसी सेकंड पार्ट से वो भी हो जाएगा. सर वो सीबी पर आता है. सीबी भाई तो ट्रायंगल का कुछ सीबी और सीबी भाई बोलो. तो ट्रायंगल के रखे सीएमडी और आरक्यू वन उसके साथ तो सीबी भाई आर एंड सीबी भाई आपको प्रूव करना है. ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया. ये गिवन लिखो. ये क्या है? गिवन था तो इसके हवाले से किया. टेकिंग रेफरेंस ऑफ दिस The corresponding size. फिर हम ये भी प्रूव करेंगे. तो इसके लिए सारा चीज जैसा मैंने तुम्हें बताया किया.
खैर देखो ना गलत है नहीं सर वो ट्रायंगल हमें आर एंड क्यू देना चाहिए आर अगर हम ऑर्डर वाइज चले तो हमें सी एम बी ए गलत लिखा है तो आर एंड क्यू करना चाहिए चलो ऐसा वैसा ऑर्डर लिखना तो यस ये सिमिलर है और बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया तो क्राइटेरियन लिखा जाएगा और बहुत सारे होते हैं तो क्राइटेरिया वो उसका प्लूरल है तो ट्रायंगल ए बी सी अंशुप्रिया अगर यहाँ हम ए बी सी ले रहे हैं तो यहाँ कैसा लेंगे बोलो बताओ ए बी सी किसके सिमिलर है उससे बताओ ए है 60 उधर कौन सा 60 है वही ऑर्डर है ना ये अलग है कुछ देखो पी क्यू आर ए अच्छा सर हाँ P Q R अब इस वाले में देखो सेकंड क्वेश्चन में ये तो फर्स्ट पार्ट है सेकंड में देखिए हो गया नमन हो गया चेक करो फिर इसको भी देखो सेकंड में देखो वैसे तो आपको लग रहा है कि साइड्स डबल है अगर सभी साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो ट्रायंगल एबीसी अगर दिखेंगे जैसे तुम एबीसी चल रहे हो 2 से 2.5 और फिर 3 तो वहां भी कैसे चलोगे बोलो 4 से किधर चलोगे 4 से 5 जैसे 2 से 2.5 तो 4 से 5 और फिर आगे बढ़ जाना तो करो जरा तो कैसे करोगे एबीसी तो यहाँ क्या लिखोगे अगला क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में अर्चिता क्या ये सिमिलर है क्यों सिमिलर नहीं है क्योंकि सर दो साइड तो डबल है पर 2.7 का डबल 5 सही है तो साइड्स आर नॉट नो क्राइटेरिया दे आर मीटिंग नो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी सीधी बात तो थर्ड क्यों नहीं है सिमिलर नो एज दे मीट नो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी फोर्थ देखिए दिव्या बताओ फोर्थ क्या ये सिमिलर होंगे होंगे अगर होंगे तो एम एन एल किसके सिमिलर है और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है एम एन एल तो क्यू पी आर सही कह रही चलो बाई यस बाई एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो मैं ऐसे ले लेता हूँ एल एम एन ले लूँ तो ज्यादा आसान रहेगा ट्रायंगल एल एम एन इज सिमिलर 5 से 2.5 आया हूं तो मुझे इधर कैसे आना चाहिए आर क्यू पी फिफ्थ नमन बताओ कर लिया देख रहे ना अभी फिफ्थ बोलो अरविंद सर होगा कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं क्योंकि जो 80 के इंक्लूडिंग एंगल है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए तो इसमें तो एक में 80 इंक्लूडेड एंगल है जबकि एक में नहीं है है ना तो इसलिए बाय नो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दीज आर सिमिलर ठीक है नो दीज ट्रायंगल्स डू नॉट मीट एनी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी डू
नॉट फुलफिल योर नीड, जो लिखना चाहो, एनी क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, इसके बाद सुजैन सिक्स में आपको क्या लगता है, हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं, क्योंकि 70 और 80 के बाद कौन सा एंगल बच रहा है? तो 70 80 तो 150 हो गए, और ये 30 है, और 80 और 30 यहाँ है, तो 80 और 30 को ऐड कर लो 110, उससे क्या आ जाएगा 70. नाउ DEF PQR सुपाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल DEF इट इज सिमिलर. चंद्रशेखर बताओ DEF किसके सिमिलर है? PQR. So it is similar to triangle PQR. Okay. Second third हो गया है? Fourth हुआ है क्या? Fourth नहीं हुआ ना? Fourth करें. That is PQR triangle है. इसके अलावा ST ये two angle है इधर वाला और ये one है. Now given QR by QS it is equals to QT by BR and angle 1 is equals to angle 2. Show karna hai. Triangle PQS is similar to triangle PQR. Dekho, ye hai PQS aur ye hai PQR. तो ये छोटा और इसी में बड़ा ले लो. अगर मान लो तुम्हारी बीपीटी भी बन गई तो भी हो जाएगा, एक लाइन एक के पैरेलल हो तो भी तो सिमिलर ही हो जाते हैं. चेक करेंगे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा. सर ये ऐसे भी तो हो सकती है ना, वो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी क्यूटी और पीआर, तो पीआर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हो गई, तो पीआर की जगह पे क्यूपी लिख देंगे ऊपर वाले के बदले. पीआर इसमें लिखा है पीआर, इसकी जगह क्यू पी लिख दें. ठीक है, तो क्यू आर बाई क्यू आर बाई क्यू एस इज क्यू टी बाई क्यू पी, और साथ में एक एंगल वन कॉमन है, हो जाएगी बात तो आसान है. इसी पर वन टू है तो प्रूफ देखिए, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो अमन फिर कौन कौन सी साइड इक्वल हो जाएंगे? वन के नीचे क्या लिखे? वन के नीचे क्या लिखे? PR. उसके अपोजिट ली जाती है तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, दैट इज अपोजिट साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. अब प्लेसिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इसको आप इक्वेशन वन मान लें, प्लेसिंग This in equation one. तो देखो QR by QS ये तो सही है,
QR by QS और QT by QT भी ठीक है। जो QR बड़े या छोटे ट्रायंगल में लेना, दो ट्रायंगल के, तो QR by QS और QT by QT, तो क्यों ना मैं PR की जगह QP रख दूं, है? तो इसको लिख दो QT by, उसी ऑर्डर में लेना QT by QP जो रखना रख दो QP, क्योंकि हम सिमिलैरिटी प्रूफ करने जा रहे हैं। और एक क्या चीज ले रहे हैं हम, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू दैट इज कॉमन, और ऐसा किस ट्रायंगल में लिया है, इन ट्रायंगल क्यू आर टी, पहला वाला तुमने बड़े वाला लिया कि नहीं, क्यू आर टी एंड ट्रायंगल क्यू एस पी, ऐसा हो गया। तो ये दो चीज आ गई, बाई एक एंगल कॉमन और दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, सही है? ऐसे ऐसे जैसे बताते क्या बोलो बताते, तो बाई ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ऐसे एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल क्यू आर टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एस बी, जो इसने पूछा है पी क्यू एस भी बोला जा सकता है, उल्टा लिख लो पी क्यू एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही लिख लो जो लिखा है, लेकिन हमें पलट के लिखना पड़ेगा, इधर क्या दिया है टी क्यू आर, तो ट्रायंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, फिर यहाँ पर भी वही लिख दो ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ऐसा किया जाए। अब जरा देखो QR by QS, QT by QP, तो मैं दूसरे तरीके से बताते हैं, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। अब हम लोग BPT से करेंगे, ये देखो ये बताओ QR by QS, QR by QS is equals to QT by PR है, ये तो given है ना, given। अच्छा P, तुम पी आर की जगह पी क्यू रख सकते हो क्योंकि एंगल्स हैं, तो एंगल्स अगर सेम है तो अपोजिट साइड तो सिमिलर होंगे कि नहीं, तो हम पी आर की जगह क्या रखते हैं, बोलो पी आर की जगह पी क्यू रखते हो, सही। तो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई क्यू पी, ऐसा क्यों होगा, दैट इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इंप्लाइज PR is equals to QP, ठीक है। अच्छा बताओ this by this is this by this, एक ही बात है, this बड़ा by छोटा और ये भी बड़े से पहुंच, सही कि नहीं, it is, अगर ऐसा होता है तो ये converse of BPT क्या कहती है कि if that is corresponding sides are proportional then this is parallel to base, तो by converse of converse of BPT क्या कहा जा सकता है, जो PS है वो किसके पैरेलल है, PR पैरेलल हो गया, और अगर पैरेलल है तो आप ये कह सकते हो कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, सही, और एंगल Q कॉमन, दूसरा ले भी सकते हो करस्पॉन्डिंग लेंथ तो कॉमन मिल ही जाए, है ना, डबल एस हो जाएगा, सो एंगल P, P लिख दीजिए या QPS, बहुत सारे एंगल है, QPS is equals to angle T और एंगल Q कॉमन हो गया, ये क्यों इक्वल है बताओ, ये वाला एंगल इसके क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कॉमन, अब दो एंगल तो हो गए ना, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल, बस तो भाई डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या छोटा ट्रायंगल बड़े बड़ा भी तो सिम ना भाई, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो कहा गया है पी क्यू एस, पी क्यू एस का छोटा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर पी क्यू आर, उसी में बढ़ो ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, सिक्स्थ, सिक्स्थ चलो सिक्स्थ नहीं होना, सिक्स्थ देखो,
सिक्स में है ए बी सी और ए सी डी ऐसा दिया है राइट यहाँ ए बी सी और ए ए बी ई ए बी यहाँ ई है ए बी ई ए बी ई हो गया और ए सी डी ठीक है ये कॉन्ग्रुएंट है गिवन है ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी इसी कॉन्ग्रुएंट और क्या शो करना है ए डी ई ए बी सी के टू शो ए डी ई इज सिमिलर छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर ए बी सी ओके इतनी बात दी गई है तो हमारे पास ए बी तो ए सी के इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट है तो ये हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा हमको हमको छोटे वाले को बड़े के करना है ये एंगल कौन है और देखो ए बी ए सी डी ई बी से कोई लेना देना नहीं बी ए ए इज इक्वल टू ए डी हम ए ऐसे कर लेते हैं देखो बहुत अच्छी बात है बताओ ए बी इज इक्वल टू ए सी सही है ए बी इज इक्वल टू ए सी तो बताओ ए बी ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी बाई ए सी इस वन ए बी बाई ए सी और ए डी बाई ए चलो तो इससे क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी वन हो जाएगा इसको नीचे ले लो ए बी बाई ए सी क्या हो गया वन हो गया दो तरीके से बताऊंगा एक आपको डबल एसिमिलर से भी बता दूंगा क्योंकि एक देख लो अगर ये और ये इक्वल है तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा बाद में तुम इसे दोनों को एक्स एक्स और वाई वाई ले लोगे तो इक्वल भी आ जाएंगे और डबल एसिमिलरिटी भी बन जाएगी वो कर लेंगे नहीं तो दूसरे तरीके से बता ये देखिए ऐसा मैंने क्यों किया ए बी इज इक्वल टू ए सी यहाँ से देखो दैट इज सी पी सी टी ऑफ इक्वेशन वन इसी से लिया तो ये इक्वेशन वन है दैट इज सी पी सी टी ऑफ इक्वेशन वन अच्छा ऐसे ही आप यहां भी ले लो कि ए ही किसके इक्वल ए डी Now, तो ए इज इक्वल टू ए बी ऐसा क्यों होगा सी पी सी टी ऑफ इक्वेशन वन अब देखिए तो ए बी बाई बोलो ए बाई ए डी अभी देखना पड़ेगा कि हमें ए बी बाई क्या चाहिए ए बी बाई ए डी चाहिए कल तो देखे नहीं होगा तो फिर वापस आएंगे ए बाई ए डी भी वन हो जाएगा अब दोनों इक्वल करो दिस इंप्लाइज ए बी बाई ए आ रहा है नहीं आ रहा ना इससे नहीं आ रहा अब इसको उल्टा करके कर लें ए बी बाई ए कर लोगे तो आ जाएगा अब वन कर लिया अब आ जाएगा ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए अब देखो ए डी है ए डी के नीचे क्या लिख लो ए बी और ए के नीचे क्या लिख लो ए सी अब चेक करो ए डी बाई ए बी और ए बाई ए सी इससे क्या पता चला इससे पता चल गया है भाई कन्वर्स रिपीट इसे दैट इज डी इज पैरेलल टू बी सी अब डबल सिमिलरिटी लगा दें तो पाई
converse of PPT DE is parallel to BC. इससे क्या पता चल रहा है कि एंगल ए डी ई इट इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी. देख लो ए डी किसके इक्वल है, ए बी सी और एक ए कॉमन ले लो, दैट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन. तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, आपको ट्रायंगल का नाम लिखना होगा इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी. तो ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सही है. अब देखो दूसरे मेथड से, देखो ये बताओ यहां से देखो क्या ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है. अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो क्या जो एंगल एक्स है वो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों को एक्स मान लो. तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. तो दिस इंप्लाइज ए बी के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल सी या फिर एंगल ए सी बी लिख लो, और वो किसके इक्वल है, ए बी सी, और दैट इज इक्वल टू एक्स लिख लिया. ये ठीक है, दोनों एक्स मान लिया. ऐसा क्यों किया बताइए, दैट इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइज. और इसे ऐसे क्यों किया गया था, सीपी सीटी ऑफ इक्वेशन में उत्तर सी बात समझ आई, ये सीपी सीटी सी है. इसी तरीके से एक सीपी सीटी ए ई और ए डी की भी बन रही, ए ई और ए डी. तो ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है ना, ऐसा सीपी सीटी से हुआ, सीपी सीटी ऑफ इक्वेशन वन. तो अगर ये इक्वल है तो बताओ ए के सामने का कौन सा एंगल है, डी. तो एंगल ए डी ई इट इज इक्वल टू एंगल ए ई डी इट इज अगेन, इसको वाई ले लो, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइंस. इन दोनों एंगल्स को क्या ले लिया, वाई ले लिया. अच्छा बताओ एंगल ए प्लस वाई और एंगल ए प्लस एक्स, सो एंगल ए प्लस एक्स भी 180 और एंगल ए प्लस वाई भी 180. इससे इंप्लाई हो रहा है कि एंगल ए प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस टू वाई. क्यों, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग दे आर इक्वल टू वन अनदर. अगर a से a कट गया तो 2x से 2y और x is equals to y. अच्छा x और y इक्वल हो गए तो फिर डबल ए सिमिलैरिटी लगा सकते हो, एक तो एंगल कॉमन है ही है, एक हम सिर्फ ले नहीं तो क्या ले लेंगे बताइए. इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन, और एंगल ए डी ई इट इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्रूव्ड अबव. ये तो हमने प्रूव कर लिया ना एक्स वाई, सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल. अभी भी मेन मेथड से नहीं किया, अभी से कोई और मेथड क्या, एस ए एस ना, हाँ वही हम भी सोच रहे थे. तो ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा, ए बी हमारे पास ए बी बाई क्या करोगे, मतलब
मतलब ऐसे एस करना चाहते हो ना, ये सही है, ए बी ए सी, ये ज्यादा अच्छा है। एक ये तो बिल्कुल नया मेथड बता दिया, देख लो इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छा मेथड है। दो लाइन का है, बी ई सी डी, देख लो ए ई ए डी है, ठीक है, तो ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, और ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, ये सब सी पी सी टी से क्या अपॉन कर दो और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, कितना अच्छा बताएगा, देखो बहुत अच्छा नहीं, इससे सरल क्या होगा, इन्होंने क्या बताया, फिर से बताएं, फिर से बताओ, ए इज इक्वल टू ए डी और ए के ठीक नीचे ए सी लिखना, ना लिखना तो फिर बाद में मैनिपुलेट कर लेना, है तो सी पी सी टी से ना बाद में कर सकते हो, तो ये की सी पी सी टी हो गया और ये भी सी पी सी टी, और ये भी तो सी पी सी टी है, सी पी सी टी को लिखो, कॉमन लिखो, तो इतनी बात समझ आ गई, ए सी ए बी के क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए बी, मैंने उल्टा लिख दिया, आप चाहो तो फिर पहले ए बी ए सी के लिखो बाद में इसको पढ़ उसी के नीचे लिखने के लिए, और फिर डिवाइडिंग इक्वल साइड, जैसे इफ इक्वल्स आर डिवाइडेड विद इक्वल्स, यूक्लिड का भी एक थ्योरम है, देन जो भी आंसर आएगा क्वोशेंट्स आर इक्वल, तो हम इसको इससे डिवाइड कर दें इसको इससे, अब बताओ ए ई बाई ए सी क्या ए डी बाई ए बी हो गया, और ए इक्वल है, बोलो ऐसे ऐसे नहीं लग गया, सही बताया कि नहीं, यही लगा तुम पहले बता देते सब पनी, हम इसी को ढूंढ रहे थे, तो अब ए बाई ए सी और ए बी बाई ए बी, अब क्या लिखने बताइए, बाई एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। चलिए फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, ये कौन सा सिक्स्थ है, फर्स्ट फोर्थ और सिक्स, फर्स्ट तो ये सब एक ही जैसा है, किसी से भी करोगे आ ही जाएगा, ये मतलब तुमको एक बजे से पहले 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था क्या, नाश्ता पानी, नाश्ता पानी करा देंगे कहोगे तो, लेकिन फिर बैठना ज्यादा